लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और सब्सक्राइब करें। सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर चल रही है, यह दिखाने के लिए आए दिन नए नए कारनामे करती है यूपी पुलिस। कहीं इनकाउंटरों की श्रृंखला तो कहीं अपराधी अपराध न करने की तख्ती टांग कर सलाह देते हैं लोगों को, लेकिन आए दिन होने वाली घटनाएं इस पूरे दावों पर बट्टा लगा देती हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के कासगंज जिले से सामने आया है, जहां 22 वर्षीय एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनीसी फैल गई। आपको बता दें, दरअसल कासगंज के पटियाली क्षेत्र के मोहल्ला चौक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक की रंजिशन गोली मारकर हत्या कर दी गई। खैर, मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक कासगंज ने थाना प्रभारी सहित चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है और पीड़ित पक्ष का मामला भी दर्ज कर लिया है। आज रात करीब 9:30-10 के बीच में एक व्यक्ति की हत्या हुई है। ये जानकारी अभी तक मिली है कि ये व्यक्ति अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था। 2017 में इसने भी हत्या की थी, इसमें इसके काफ़ी साथी अभी फरार चल रहे हैं। ये हत्या के मौके पर मैं आया हूँ। सर, परिवारजनों ने किस पर आरोप लगाया, कैसे क्या मामला है? परिवारजनों ने जो भी एफआईआर लिखाई है, उन्होंने 2017 के मुकदमे की दुश्मनी को दिखाया है और वो एफआईआर लिख के उन्होंने दिया है, उसमें हम कार्रवाई करेंगे। कासगंज से टीम टीवी 30 इंडिया के साथ मनोज प्रताप की रिपोर्ट। अपने आसपास हो रही किसी भी असामाजिक घटना को भेजें हमारे पास और बने समाज के प्रति जिम्मेदार। हम आपकी आवाज को पहुंचाएंगे महकमों से जुड़े जिम्मेदारों तक। हमें मेल करें support@tv30india.com पर या हमें व्हाट्सएप करें 9758766843 पर। और साथ ही टीवी 30 डिजिटल मीडिया नेटवर्क के यूट्यूब चैनल टीवी 30 को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।